कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए पूर्व छह विधायकों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार तीखा जुबानी हमला बोल रहे हैं और अलग अलग नामों की संज्ञा देकर इन नेताओं पर हमला बोला जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा ने सीएम पर पलटवार किया है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पूर्व छह विधायकों के लिए अपमानित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे जो उनकी पद की गरिमा के खिलाफ है। मुख्यमंत्री को इस तरह की अमर्यादित भाषा शोभा नहीं देती है। जनता पार्टी का मानना है कि पिछले एक डेढ़ महीने के घटनाक्रम से जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस समर्थक विधायकों की संख्या 43 से घटकर 34 पर आ गई है, उससे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेताओं में निराशा है, हताशा है और मुख्यमंत्री समेत वो सभी नेता निराशा हताशा के कारण इतनी बौखलाहट में है कि वो आए दिन निम्न स्तरीय बयानबाजी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर और उनको छोड़कर गए विधायकों पर बिना प्रमाण के, बिना तथ्यों के आरोप लगा रहे हैं। कभी कहा जाता है कि वो विधायक बिक गए, कभी कहा जाता है वो विधायक काले नाग निकले, काली भेड़े निकली, कभी उनको मेंढक की संज्ञा दी जाती है, परंतु असली वजह, असली कारण पर कांग्रेस पार्टी के नेता आंखें मूंद कर बैठे। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं विशेषकर मुख्यमंत्री जो निराधार तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं उनसे वो वा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री स्तर के नेता को बिना तथ्यों के आरोप लगाना शोभा नहीं देता। या तो वो अपने आरोप के साथ, अपने आरोपों के साथ प्रमाण दें, तथ्य दें, अन्यथा वो इस बयानबाजी को तुरंत बंद करें। वो इस बात को समझे कि क्या कारण रहे कि उनकी पार्टी इस कदर विघटित होती चली गई कि आज उनके विधायकों की संख्या 43 से घटकर 34 पर आ गई। अब वो विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में हैं और खुलकर अपनी बात कर रहे हैं। उन्होंने शुरू से कहा है कि वो इस सरकार की एक साल की नीतियों से परेशान थे, तंग थे। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।